हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। फेज़ वन और फेज़ टू के विद्यार्थी लगातार और सैम के रिजल्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसको मैं इस वीडियो में साझा कर रही हूं। उसके पहले मैं बता दूं कि जो फेज़ वन के विद्यार्थी हैं, चाहे आपके सिक्स हो या एट सैम के स्टूडेंट हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर कोर्स के लिए हर ब्रांच के लिए, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल को, उनके PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और इसके साथ ही क्वांटम ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है और कुछ न्यूली मैं अपलोड करती जा रही हूं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे ज्वाइन करके आप जो है वो नोट्स और वो PDF जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद फेज़ टू के विद्यार्थी जो रिजल्ट के एक्सपेक्टेड डेट पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, फेज़ वन के ही स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो आपके रिजल्ट कहाँ से आएंगे, तो पहले आप अपने एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल दे दीजिए। जैसे ही कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी फेज़ टू के लिए, मैं वीडियो बना के साझा कर दूंगी। अब चलते हैं फेज़ वन के विद्यार्थियों के लिए। तो फेज़ वन के विद्यार्थियों की अपडेट ये है कि अभी आपकी 2000 से लगभग 5000 कॉपियां हैं वो चेकिंग में पेंडिंग है, कुछ इश्यूज़ आ चुके हैं, इसीलिए पूरी कॉपियां चेक नहीं हो पाई हैं। जैसे ही कॉपियां चेक हो जाएंगी, उसके बाद मार्क्स अपलोडिंग होगी। और जैसे कि आपको पता है कि AKTU एक टेंडर निकालता है जिसमें वो कंपनी सेलेक्ट करता है, उसके बाद मार्क्स अपलोड होते हैं। तो मार्च में आपके कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, कॉपी फटाफट चेक हो गई, तो मई में ही आपके रिजल्ट जो आएंगे वो भी 15th ऑफ मई के बाद। अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन अपडेट होगी आपको मैं चैनल के माध्यम से बता दूंगी। फिलहाल अभी आपकी कुछ कॉपियां जो हैं पेंडिंग है, कुछ आपके जो UFM से रिलेटेड सर्कुलर था उससे रिलेटेड कुछ काम चल रहा है। तो यही AKTU विद्यार्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट है। जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी आपके साथ मैं साझा करती रहूंगी। फिलहाल मार्च में कोई रिजल्ट नहीं है, मई 15th ऑफ मई के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है अभी तक की इंफॉर्मेशन से। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ही कंपनी सेलेक्ट होगी या कुछ टेंडर आएगा, मैं फिर एक वीडियो बना करके आपसे साझा कर दूंगी। तो AKTU विद्यार्थियों के लिए यही लेटेस्ट अपडेट थी। और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।